नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। तो कैसे हो भाई लोग, हाल चाल ठीक है ना। तो मीवी ने इंडिया में अपने इस मीवी कलर क्लासिक को रिसेंटली ही लॉन्च कर दिया है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में आपको 999 का देखने को मिलता है। तो भाई लोग, आज के वीडियो में हम लोग इसी का एक अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू देखने जाएंगे, देखेंगे कि आपको बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है, क्या इस प्राइस के लायक है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त दबाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स की बात करें गाइस, तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आपको कॉलर का पिक्चर देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर बॉक्स के कलर की बात करें तो बॉक्स का कलर मेरे को बहुत ही अच्छा देखने को लगा, कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन और ब्लैक में। बॉक्स के लेफ्ट साइड की बात करें तो बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे पुश द लिमिट्स लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अगर गाइस बॉक्स के राइट साइड की बात करें तो बॉक्स के राइट साइड में आपको इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि मीवी से इंडिया में उनके हैदराबाद के फैक्ट्री में बना रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बॉक्स के बैक साइड की बात करें गाइस, बॉक्स के बैक साइड में आपको कुछ फीचर्स लिखे हुए देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि HD स्टूडियो साउंड, लॉसलेस ऑडियो, स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ। इसके ऊपर हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मीवी की तरफ से 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए गाइस, बिना वक्त गवाए हम लोग अपने इस बॉक्स को अनरैप कर लेते हैं। Meanwhile, तो चलिए गाइस, अब हम लोग अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर बॉक्स की पैकेजिंग की बात करें तो बाहर की बॉक्स की पैकेजिंग मेरे को बहुत ही अच्छी देखने को लगी है, बट अंदर की बॉक्स की पैकेजिंग जो हमें ट्रे देखने को मिलती है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कचकरे प्लास्टिक जैसी लगती है। थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अगर हम लोग को कॉलर की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले चीज देखने को मिलती है, हमें मिलती है मीवी की तरफ से एक वारंटी रजिस्ट्रेशन लेटर, जिसे आप फॉलो करके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा हमें मीवी की तरफ से एक वेलकम लेटर देखने को मिल जाता है, जिसे मैं बहुत ही स्वीट जेस्चर बोलूंगा, बहुत ही अच्छी चीज है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमें एक पुस्तिका देखने को मिल जाता है, ज्ञान पुस्तिका, जिसे पढ़ के अपने दिमाग का ज्ञान बढ़ा सकते हो आप। और साथ ही साथ गाइस, बॉक्स के अंदर हमें ईयर टिप्स का पैकेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमें स्मॉल और लार्ज साइज का ईयर टिप्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस, बॉक्स के अंदर आपको एक माइक्रो यूएसबी का केबल देखने को मिल जाता है, जिसे मैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से ओके बोलूंगा। तो इन सभी चीजों को साइड में रखते हैं गाइस। तो चलिए अब हम लोग अपने कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इस कॉलर का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कॉलर के राइट साइड की बात करें गाइस, तो सबसे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आपका माइक का होल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस, ऊपर की तरफ आपको एक छोटी सी LED देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपका कॉलर पेयर्ड हुआ है या चार्ज है या डिस्चार्ज है। उसके अलावा गाइस, आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने वॉल्यूम को लो या हाई कर सकते हो। उसी तरफ साइड में गाइस, हमें एक माइक्रो यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए। कॉलर की लेफ्ट साइड की बात करें गाइस, तो लेफ्ट साइड आपको कुछ चीजें देखने को नहीं मिलती है। केबल्स की बात करें गाइस, तो केबल्स आपको फ्लैट रबर स्टाइल की देखने को मिल जाती है। ईयरबड्स की बात करें गाइस, तो ईयरबड्स आपको 45 डिग्री के एंगल पे बनी हुई देखने को मिल जाती है, जो कि आपके ईयर के फिटिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छी बैठती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट की मार्किंग देखने को मिल जाती है। ईयरबड्स की बैक साइड की बात करें, तो बैक साइड में आपको मेटेलिक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं गाइस, तो चलिए सबसे पहले नेकबैंड के नेक वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक की बनी देखने को मिल जाती है, बट कंपनी ने इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट प्लास्टिक यूज किया है। फ्लेक्सिबल की बात करें तो ये देख सकते हो कितना फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, बट मैं बोलूं तो अगर कंपनी इसमें रबर या सिलिकॉन यूज करती तो ज्यादा बेटर होता, बट कंसीडरिंग द प्राइस रेंज मैं इसे अच्छा बोलूंगा। अगर ये वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं नेकबैंड के, तो ये आपको प्लास्टिक से बनी देखने को मिल जाती है, बट ये आपको हार्ड प्लास्टिक इन्होंने यूज किया है। इसकी फिनिशिंग की बात करें तो आपको मैट फिनिशिंग में देखने को मिल जाती है। बटन्स की बात करें तो आपको रबर की बटन देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ सील आपको देखने को मिल जाती है चार्जिंग पोर्ट के ऊपर। मेरे को एक बात और अच्छी लगी गाइस, कि इन्होंने यहाँ पे एच पे रबर यूज किया गया है और ईयरबड के एच पे रबर यूज किया गया है, जिससे कि आपका केबल जो है वो मुड़ता नहीं है, जिससे कि आपका केबल का लाइफ स्पैन साथ साथ कॉलर का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। अगर केबल की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो केबल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, रबर की देखने को मिलती है, ये फ्लैट डिजाइन में देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलिए गाइस, ईयरबड के बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले, तो ईयरबड का बिल्ड क्वालिटी मेरे को अच्छी देखने को लगी, आपको मेटल का देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आपको मैग्नेट देखने को मिल जाता है। बट ये बात ध्यान देना कि इसकी कोई फंक्शन नहीं है कि आपका गाना प्ले और पोज होगा। और सामने की ईयरबड की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, बनी हुई प्लास्टिक की, और आपको सिलिकॉन के ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं कॉलर की। तो ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं गाइस, तो कंसीडरिंग द प्राइस रेंज मेरे को बिल्ड क्वालिटी क्वाइट इंटरेस्टिंग देखने को लगा है। कंफर्ट की बात कर ले गए, तो चलिए सबसे पहले ईयरबड्स की बात कर लेते हैं। तो ईयरबड्स की फिटिंग मेरे को कान में बहुत ही परफेक्टली देखने को लगी है, मेरे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। बिकॉज ऑफ इसके 45 डिग्री के एंगल पे बने रहने के चलते आपको कान में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। कितने देर
भी आप इसे पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसके वेट की बात करेगा तो मेरे को बहुत ही ज्यादा लाइट वेट देखने को लगा है, मेरे को ये बहुत ही अच्छी बात लगी है। मैंने इसे एक बार रात में पहन रखा था और सो गया, उसके बावजूद भी मेरे को पता नहीं चला गाइस, कुछ देर बाद मैंने इसे निकाल के अपने गले से रखा था। अगर इसकी नेक की बात करें, ये आपको कितना कंफर्ट मिलता है ये वाले पार्ट, तो ये पार्ट मेरे को अच्छी देखने को लगी, कंफर्ट बट इंटरेस्टिंग मैं बोलूंगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है, उसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है स्किन के रिगार्डिंग, आपको इचनेस हो या कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसे आराम से पहन के जॉगिंग कर सकते हो, उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा कंफर्ट मैं बोलूंगा। अगर ओवरऑल बात करूं गाइस की कंफर्ट के मामले में कैसा कॉलर देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा मैं बोलूंगा, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो चलिए गाइस अब हम लोग साउंड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है गाइस 11K के बस 200 सब्सक्राइबर और चाहिए भाई लोग, क्योंकि देखो यार रात के 2:30 बजे रहे आपके लिए मैं वीडियो ला रहा हूं, तो आप लोग तो उतना कर ही सकते हो। तो यहां पे मैंने कुछ चीजें राइट डाउन करके रखी हुई है जिससे कि इजीली मैं बता सकूं कैसे साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है, और मेरा जो भी आपको ओपिनियन देखने को मिलेगा वो मैं 2 से 3 हफ्ते यूज करके बता रहा हूं इस कॉलर के बारे में। तो अगर सबसे पहले इसकी लाउडनेस की बात कर ले तो इस क्वाइट लाउड मैं बोलूंगा, बट आपको उतना भी लाउड देखने को नहीं मिलता है कि इसकी साउंड आपको डिस्टॉर्ट होने लगे, फटने लगे। और अगर बेस की बात करें तो बेस इस क्वाइट गुड मैं बोलूंगा, इन द सेंस आपको सॉफ्ट बेस उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। सिंपल बोलो तो जिन्हें सॉफ्ट बेस पसंद है उनके लिए परफेक्ट है, बट अगर जिन्हें बहुत ही ज्यादा बेस पसंद है उनके लिए थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अगर ट्रेबल्स और वोकल्स की बात करें तो ट्रेबल्स और वोकल्स इज आल्सो क्वाइट गुड मैं बोलूंगा। इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं इस कॉलर को वन ऑफ द बेस्ट कॉलर बोलूंगा साउंड के मामले में। बट हां गाइस एक बार मैं यहां पे प्ले कर दूंगा म्यूजिक, तो आप एक बार खुद जज कर लेना कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है। तो यहां पे मैंने एक माइक्रोफोन को प्लेस कर रखा है, और चलिए हम लोग म्यूजिक को प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलती है। तो हां तो इसके कॉलर के साउंड की वॉल्यूम मैं फुल रखूंगा, तो आप जज कर लेना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे म्यूजिक को प्ले कर दिया है हम लोगों ने, तो यहाँ प्लेस करते हैं इसे माइक्रोफोन के पास। तो गाइस देख लिया आपने कि इसके साउंड क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलती है। तो चलिए गाइस अब इसके माइक्रोफोन की टेस्टिंग भी कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके माइक्रोफोन की आउटपुट कैसे देखने को मिलती है आपको। गाइस आप जो ये ऑडियो सुन रहे हो कि इसके माइक्रोफोन के थ्रू ही जा रही है, तो आप एक बार खुद जज कर लेना कि आपको कॉल की क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है। तो मैंने अभी घर पे अपने एक नंबर पे कॉल किया है और कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसके थ्रू ही ऑडियो जा रही है, तो देख लेना कैसी साउंड आ रही है। तो दीदी साउंड कैसी आ रही है तुमको? अभी तो बहुत अच्छी आ रही है। कोई प्रॉब्लम या नॉर्मल कॉल से नॉर्मल जैसा ही लग रहा है, या नॉर्मल कॉल से चेंज आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, नॉर्मल कॉल से थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, मतलब डिजिटल साउंड कर रहा है। हाँ, तो गाइस एक बात ध्यान देना कि मैं अभी रूम एनवायरनमेंट में हूँ, तो उसके हिसाब से ही नॉइज बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, और रात अभी हो रही है, रात के लगभग आई थिंक कितने हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं ना। हाँ, तो रात के 4 बज रहे हैं, उसके हिसाब से एनवायरनमेंट एकदम क्लियर है, कोई बैकग्राउंड में थोड़ा मोड़ा नॉइज होगा रोड से जो आ रहा होगा, तो उसके हिसाब से ही अभी ऑडियो जा रही है। कनेक्टिविटी के ऊपर बात कर लेते हैं गाइस। तो चलिए सबसे पहले लेटेंसी के ऊपर बात करूं, तो लेटेंसी के मामले में मेरे को कोई भी लेटेंसी या लैग देखने को नहीं मिली है। इसके ऊपर मैंने मूवी और म्यूजिक दोनों प्ले करके देखा था, कोई भी मेरे को विजुअल लेटेंसी देखने को नहीं मिलती है गाइस। साथ ही साथ गाइस मैंने इसे अपने मैकबुक से कनेक्ट करके इसके ऊपर एडिटिंग भी किया, तो वाइल एडिटिंग द वीडियो मेरे को कोई भी टाइमलाइन के ऊपर लेटेंसी या लैग देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ गाइस अगर गेमिंग के ऊपर बात करें, तो वैसे तो कंपनी की तरफ से आपको कोई भी लो लेटेंसी मोड या गेमिंग मोड स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलती है, बट अगर ओवरऑल लेटेंसी की बात करें गेमिंग में, तो मैंने इसके ऊपर सीओडी प्ले करके देखा था, तो मेरे को 0.5 सेकंड से 1 सेकंड की डिले देखने को मिल जाती है। अगर इसके ऊपर रेंज की बात करें गाइस, तो कंपनी की तरफ से बोला जाता है कि अप टू 10 मीटर्स का रेंज देखने को मिलेगा, बट अगर ओवरऑल अपनी एग्जांपल की बात करूं गाइस, तो मैंने इसे 3 रूम दूर रख के देखा था, तब पर भी मेरे को कोई भी लैग या लेटेंसी देखने को नहीं मिली व्हाइल प्लेइंग द म्यूजिक। बट अगर उससे ज्यादा जब मैं गया इसके ऊपर हाथ रखता था, तो कभी कभी 1 या 2 सेकंड के लिए ऑडियो कटती थी, उसके बाद प्ले होना स्मूथली स्टार्ट हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं देती थी हाथ रखने के बावजूद भी। अगर ब्लूटूथ के वर्जन की बात करें गाइस, तो ब्लूटूथ में आपको 5.0 कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। बैटरी बैकअप के ऊपर बात करूं गाइस, तो ये कंपनी क्लेम करती है कि अप टू 24 आवर्स की बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप इसे 70% वॉल्यूम पे सुनते हो। तो अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं गाइस, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आपको आराम से 20 से 22 आवर्स की बैटरी बैकअप दे देगी अगर आप इसे 70% वॉल्यूम पे सुनते हो। तो साथ ही साथ गाइस अगर इसकी चार्जिंग
टाइम की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे तो ये आपको 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा इंस्टेंटली। अगर इसकी फुल चार्जिंग की बात करो गाइस तो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मैंने इसे 18 वॉट के चार्जर से चार्ज किया था तो मेरी फुल चार्जिंग टाइम ये 37 मिनट में फुल चार्ज हो गया था, जो कि एक मैं अच्छी बात बोलूंगा। कॉलर के प्राइसिंग के ऊपर बात करो गाइस तो आपको 999 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 6 कलर वेरियंट में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इसे बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के इसे इजीली बाय कर लोगे। मेरे लिंक से बाय कर लोगे तो हमारे चैनल का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा गाइस। साथ ही साथ अगर मैं ओवरऑल अपनी ओपिनियन की बात करूं गाइस तो 999 के प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कॉलर मैं बोलूंगा साउंड के लिए। अगर आपको साउंड बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हो तो आप इसे इजीली बाय कर सकते हो। अगर आज की वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी गाइस तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग तो प्लीज यार कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है 11 के बस 200 सब्सक्राइबर और चाहिए भाई लोग, तो प्लीज यार कर दो। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इस साइड मेरी आईडी दिख रही होगी, वहां से जाकर के आप मुझे इंस्टाग्राम पे इजीली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा वीडियोस के बिहाइंड द सीन्स डालते रहता हूं। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो अगर आपको वहां पे कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी होगी तो इजीली आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो चलिए भाई लोग, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, पीस आउट। कल जो मैं था आज जो मैं हूँ उसमें फर्क ज्यादा है, दुनिया कैसी है मुझको अब सब कुछ समझ जाता है। लगता है सबको कि आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, देखना एक दिन जिंदगी में मैं भी जीत जाऊंगा। ऐसा कुछ बोलता हूँ तो पब्लिक क्यों मुझ पे हंसती है, सोचता हूँ दिन रात तो बात मेरे दिल पे आके लगती है। जाना है जहाँ जाऊँ।